आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम पोहा बनाने जा रहे हैं। ये वैसे तो महाराष्ट्र की डिश है, लेकिन ये अब जो है आसानी से बनने की वजह से सब जगह ही खाया जाता है। एक प्याज लिया हमने जिसको काट लिया है। ये 50 ग्राम हमने मटर लिए हैं जिसको हम उबालेंगे। ये एक कटोरी पोहा लिया है। ये एक चम्मच हमने नमक लिया है। एक हरी मिर्च जिसको हमने काट लिया है। ये एक टेबल स्पून हमने राई लिए और ये आधा नींबू का रस निचोड़ के ले लिया है। और 10-12 हमने काजू लिए हैं और 20 ग्राम के करीब हमने मूंगफली गिरी ली है। एक प्याज है जो हमने काट ली है और ये 50 ग्राम मटर लिए हैं जिनको हमने छील कर धो लिया है। एक कटोरी पोहा, चम्मच नमक, एक हरी मिर्च और एक टेबल स्पून राई, आधा नींबू का रस, 10-12 काजू और 20 ग्राम हमने मूंगफली के गिरी लिया। ने पैन रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। इतना हमारा ऑयल गर्म होता है इतना हम ये काजू तोड़ लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम काजू डालकर इनको सुनहरा होने तक भून लेते हैं। हमने अपने काजू भूनकर निकाल लिए हैं। अब हम इसमें राई डाल देते हैं। राई के बाद हम अपनी प्याज डाल देते हैं। इनको भी हम सुनहरा होने तक भून लेते हैं। इतना हमारी प्याज सुनहरी होती है इतना हम इस पोहे को भिगो देते हैं। थोड़ा सा इतनी देरी है, 5 मिनट भीग जाएगा। इतना हमारी प्याज भूनती है इतना हम दूसरे पैन में ये मूंगफली की गिरियाँ भून लेते हैं। इनको भी हमें सुनहरा ही करना है। मंदी गैस रखें, मंदी गैस पर ये अंदर तक भून जाती हैं। अब हमारी मूंगफलियाँ भून गई हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब हमारी प्याज भुनने जा रही है तो अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा भून लेते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर रहे हैं और 1/4 बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि इसके साथ हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ी ही डालनी है। इसको भी हम इसके साथ भून लेते हैं। ये हमने मटर उबाल लिए हैं, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये पोहा जो हमने भिगो कर रखा हुआ था ये ऐसा हो गया है। अब इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं हम और इसको भी हम इसके साथ मिला लेते हैं। और जो हमने काजू फ्राई किए थे और मूंगफली की गिरी जो हमने तली थी ये भी, नमक 1/4 चम्मच नमक है और ये आधे नींबू का जो रस था ये भी हमको इसके अंदर डालना है। ये भी हम इसके अंदर डालकर इसको मिला देते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिलाएंगे। ये आप नाश्ते में खाएंगे तो आपको पूरे दिन भी भूख नहीं लगेगी। ये इतना टेस्टी लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। इसको हम पूरे अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे कि पूरे मसाले इसके अंदर ऐड हो जाए, नींबू का रस भी पूरी अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए हमारा पोहा खिला खिला कितना अच्छा बना हुआ है। अब हमारा पोहा तैयार है खाने के लिए। इसमें बनाने में केवल 2 मिनट का समय लगता है। ये हमारा पोहा तैयार है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।